था। उसके साथ साथ ये स्थिति साफ हो गई कि 180 सीट का लक्ष्य यानी कि जो 2018 के विधानसभा चुनाव है आगामी, उनमें पूरी तरह से पार्टी को किस तरह से अपनी मजबूती दिखानी है, क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से एक्शन में रहेगी कार्यकर्ता और खुद जो तमाम लोग हैं। उसके साथ साथ आज आर्थिक प्रस्ताव भी रखा जाएगा और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि आज जब जोधपुर में रोड शो होगा तब एक शक्ति प्रदर्शन की तरह इसे देखा जाएगा, क्योंकि गृह क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और वहां उनके गृह क्षेत्र में जाकर भाजपा का इतना बड़ा रोड शो और भाजपा की इतनी बड़ी कार्य समिति की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजीव गौड़ मेरे साथ बने हुए जी मीडिया सदर। राजीव, क्या माना जाए कब तक मुख्यमंत्री जोधपुर फिर से पहुंचेंगी और क्या कुछ जोधपुर में कार्यक्रम होने हैं? राजीव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? किस तरह का कार्यक्रम आगे मुख्यमंत्री का रहने वाला है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो सीधा तमन आस्था श्रद्धा और उस विश्वास से रहा है जिसमें प्रदेश की खुशहाली के लिए जो जिस क्षेत्र में भी जाती है उस क्षेत्र का जो धार्मिक स्थल है वह जरूर जाती है। कल जिस तरीके से राजपूत समाज ने जिस तरह से ब्रह्मा मंदिर में उनको आमंत्रित किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, खुशहाली की कामना की। सबसे बड़ी बात है कि रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, उसको लेकर के जो उन्होंने कोशिश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो राजस्थान की जनता के विकास को लेकर के कितनी वो गंभीर है। बिल्कुल, इसके साथ ही राजीव सबसे इम्पोर्टेंट ये कि देखिए बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी के इस एमओयू के बाद पहली बार मुख्यमंत्री यहां पहुंची थी, एक भव्य स्वागत और लोगों में उतना ही उत्साह तो दिखेगा ही। इसके साथ साथ आज जब जोधपुर में वे रोड शो करने पहुंचेंगी, रोड शो जब उनका होगा वहां पर भी एक बड़ा ये कहेंगे शक्ति प्रदर्शन देखा जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से रिफाइनरी की एमओयू घोषणा के बाद में उनकी चलिए राजीव, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है हमारे पास, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि फिर से मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे आज बाड़मेर दौरे पर हैं और आज जब वे आसूत्रा धाम पहुंची तो वहां उनका स्वागत हुआ। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है जब वे मंदिर गई, आसूत्रा धाम में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और अब से थोड़ी देर बाद वे फिर से जयपुर निकलेंगी, जोधपुर निकलेंगी, जहां आज शाम रोड शो करने का कार्यक्रम, वहां बीजेपी की कार्य समिति की बैठक भी चल रही है। और जयपुर से खबर जहां